हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हल्के फुल्के डिजाइनों को मिला जुला के ज़बरदस्त जाल बनाया गया है। इस तरह की डिजाइन है जो पूरा कपड़े पे भरपूर तरीके से ज़बरदस्त बनाई जाती है, उसको जाल डिजाइन कहते हैं। दोस्तों डिजाइन वही है, पत्ती है, कुंडल है, तीन गोली बेल है। तीन गोली बेल आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीन गोली बनाई जा रही है, फिर नीचे ले जाते वक्त हल्का सा चांद बनाया जा रहा है गोले में, और वापस आके तीन गोली बनाई है। गोली बनाने का तरीका मेरी पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि हाथ को एक ही साइड में उल्टी तरफ गोल गोल घुमाना है, बस गोली का एंगल चेंज करना है। तीन गोली चार गोली आराम से बना लेंगे जिससे गोल का डिज़ाइन बन जाएगा। और इस तरह से बैल बनानी है तो नीचे जब ले जाएंगे हल्का सा हाथ को आधा गोले में घुमाना है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी लहरिया बनाया जा रहा है और लहरिया के साथ ही त्रिकोण में गोली बनाई जा रही है। इस डिजाइन में पूरे डिजाइन के अंदर हल्का फुल्का काम किया गया, लेकिन ज़बरदस्त काम दिख रहा है, ज़बरदस्त भरा हुआ है। तोड़ तोड़ के धागों को अलग अलग कलर यूज किए गए हैं। रेशम का काम है, जरी का काम है, मिक्स काम है। इस काम के अंदर धागा तोड़ तोड़ के गिट्टा या बन या जरी का कोण, अलग अलग धागे आते हैं। इसमें गिट्टी जो सिलाई में यूज होती है वो धागा भी यूज हो जाता है कलर के लिए। कई बार कलर रेशम में नहीं मिल पाते हैं। अगर आप चाहे तो जो गिट्टी सिलाई में इस्तेमाल होती है आरी एम्ब्रॉयडरी की मशीन में, कोई धागा या उससे बारीक धागा जो रेशम का कशीदा मशीन में यूज होता है यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, आरी के काम की बारीकी बताता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं कि कुंडल बनाया गया है। कुंडल ऊपर की तरफ जाके हैंडल को एक साइड घुमा के वापस उल्टी तरफ उसी तरह से घुमा के ऊपर लाते हुए उसी लाइन पे कुंडल बनाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कुंडल पे पत्ती नहीं है, पत्ती वाला कुंडल भी होता है दोस्तों। उसमें जब ऊपर ले जाया जाता है इस तरह से पत्ती बना ली जाती है बनते वक्त ही। दोस्तों आरी एम्ब्रॉयडरी में हल्की फुल्की डिजाइनों को मिला जुला के, बेहतरीन रंगों को मिला जुला के भारी से भारी डिजाइन बना ली जाती है। जब काम करते करते हाथ में ऑटोमेटिक लचीलापन आ जाता है तो बारीक से बारीक डिजाइन और छोटी करके बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। शुरू शुरू में इस तरह की हल्की डिजाइनों से आप शुरू करें। अगर आप नए कारीगर हैं, धीरे धीरे इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और रोज़गार भी चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियोस में आपको और भी नए से नए डिजाइन है, और भी नए से नए आरी के काम करने के तरीके, आरी एम्ब्रॉयडरी मशीन को ठीक करने के तरीके सभी बताएंगे। दोस्तों थैंक यू, बने रहे हमारे वीडियो में, जिससे कि आरी एम्ब्रॉयडरी के काम के बारे में आपको नई से नई जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों आप अगर चाहे तो कमेंट में मुझसे नई जानकारी शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप मुझे अपनी वीडियो भेज सकते हैं, जिससे कि आपको भी नई जानकारी मिले। और आगे अगर मैं वीडियो में आपकी जानकारी इंक्लूड करूँगा तो दूसरों को भी उसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों जुड़े रहे हमसे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, जिससे कि आपको मैं जब वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे मैसेज के जरिए। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।